नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया। आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने 4 संकल्पों के साथ कश्मीर पर बिल पेश किया और अनुच्छेद 370 को रद्द करने की सिफारिश की। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर ये घोषणा करते हैं कि ये दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। कश्मीर पर सरकार कोई बड़ा फैसला करने वाली है, इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में 35,000 जवानों की तैनाती, राज्य के तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की नजरबंदी, धारा 144 और मोबाइल सेवा बंद किया जाना, सबका संकेत साफ था कि कश्मीर में कुछ बड़ा होगा। संसद में संकल्प पेश किए जाने से पहले सीसीए और कैबिनेट की बैठक भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।